looks like this. छड़ दो, होना थोड़ा बोलन दो. Hi everyone, जैसे आपको पता है कि आज दूसरा दिन है चैलेंज का. 7 दिन का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने हिंदी बोलनी है और दानी को फूड खिलाना है 7 के 7 दिन ब्रेकफास्ट जो मैं बनाऊंगा. आज मैं बनाने जा रहा हूँ वो डिश जो मुझे मेरी दादी ने, मतलब 10 साल तक जब था मैं तब बना के खिला रहे थे. सो उसके लिए मैंने आज कल रात एलमंड्स सो किए थे. सो जब तक मैं एलमंड्स को पील कर रहा हूँ सो तब तक मैं दानी को कुछ खाने के लिए देता हूँ. यह है हमारे घर के रोस्टेड ओट्स, रोल्ड ओट्स हैं जो दानी अभी आराम से खाएगी और बैठी रहेगी, मुझे तंग नहीं करेगी. तो मैंने प्रॉपर एलमंड्स पील कर लिए हैं. सो अभी मैं एलमंड्स को प्रॉपर पीसूंगा इससे. सो अभी मैंने एलमंड्स को प्रॉपरली स्मैश कर दिया है, मतलब यू कैन सी इसका पेस्ट बन रहा है, ठीक है. तो अभी मैं इसमें अपना सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ऐड करूँगा, इट इज़ घर की मखनी. मतलब प्रॉपर इतनी मखनी दानी को मैं दूंगा. सो ये बन के रेडी हो चुका है, पहले खा के देखो अच्छा है. मतलब मेरे लिए हिंदी बोलनी ना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ. नाइस. सो अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा ये मील सो आप हाफ बनाना भी ऐड कर सकते हो, लेकिन दानी को मैं ऐसे ही दे रहा हूँ बिकॉज दानी लव्स टू ईट इट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर थर्ड डे, कल देखते हैं क्या बनाते हैं हम.